Welcome to everyone. Today we will discuss class 8 topic noun. In first part we will discuss definition of noun and kinds of noun. Proper noun, common noun, material noun, abstract noun and collective noun. In second part we will discuss some words of collective noun and abstract noun. They are used in different concepts according to sentence. They go to summary words. जो हमारे वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप से हमारे यूज किए जाते हैं क्योंकि ये जो वर्ड हमारे साथ है वो पिक्चर है क्राउड है प्लीज सेंटेंस है हर्ड है स्टेट है कंट्री है ठीक है ये सारे वर्ड हमारे किसके हैं कलेक्टिव नाउन के हैं इन सारे वर्ड्स के साथ जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ड होते हैं वो सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं तो कुछ कैसे होते हैं जिनके हम इन वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं जैसे देखो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट हमारा वर्ड है पीपल तो पीपल आर गैदर्ड इन द हॉल लोग हॉल के अंदर इकट्ठे हुए तो यहाँ पे पीपल है क्योंकि जो पीपल है वो सिंगुलर प्लस वर्ब के पीछे ही यूज होता है और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर ही यूज होती है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिससे पीपल्स का यूज करते हैं तो पीपल्स का हम कब यूज करते हैं जब हमें टू डिफरेंट कंसेप्ट बताने होते हैं कि बीच में डिफरेंशिएशन बताना होता है देखो पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर इनवाइटिंग मी या पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर गैदर्ड इन द हॉल तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के पीपल्स की बात की गई है जो